बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज जो है ताज रेजिडेंशिया के साइट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ताज रेजिडेंशिया की क्या अपडेट्स है, कोई काम वगैरह हुआ है नहीं हुआ, या जैसा छोड़कर गए थे आज से कुछ रोज़ कबल, तो वो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स तो नए नज़र आ रहे हैं, बाकी तो इस चीज़ का आइडिया नहीं है यहाँ पर क्या फिजिबिलिटी है। गार्ड्स वगैरह तो नए जो है वो आए हुए हैं, तो अब देखते हैं कोई नई तब्दीलियां भी रहनुमा हुई हैं या जूं की तू ही हैं। और चले हमारे साथ, ये बुलेवार्ड तो पहले की तरह ही है, जिस तरीके से हमने डे फर्स्ट से था उसी तरह ही है। आगे कोई सुनने में आया है कोई लैंड वगैरह परचेज की है सोसाइटी ने, नए आने वाले जितने भी ब्लॉक्स हैं जिनके अंदर उन्होंने आगे जगह देनी है, जिसके अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने 3.5 मरला, 5 मरला या 8 मरला की बुकिंग्स जो हैं वो प्रोसेस करवाई थी और बुकिंग्स वगैरह करवाई थी। वहाँ पर कुछ सुनने को आया है कि वहाँ पर मैनेजमेंट ने जो है कोई नई लैंड जो है एक्वायर की है, तो देखते हैं क्या फिजिबिलिटी है। कंप्लीट आप लोग वॉच करें, देखें कि ताज रेजिडेंशिया जो है जिन अहबाब ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आइडिया है कि इसकी लोकेशन क्या है। जो आने वाले नए मेम्बरान हैं उनको ताज रेजिडेंशिया जो कि NOC प्रूव्ड RDA की तरफ से, और ये इसके दूसरे ब्लॉक्स हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, और इससे आगे जो हम आगे रोड एक क्रॉस करेंगे उसके आगे जो है जितनी भी नई कटिंग है वहाँ पर है। यहाँ पर अभी फैमिलीज लिवेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें काफ़ी सारी जो हैं वो अवेलेबल तो हैं, और देख रहे हैं कि क्या इसकी फिजिबिलिटी है। वहाँ पे आगे ट्रांसफ़र ऑफिस भी इनका साइट के ऊपर है, और अभी फैमिली उस किस्म से लोग लिवेबल नहीं है जिस तरीके से प्रॉपर एक फैमिलीज यहाँ पे सेटल होती हैं और सारी चीज़ें ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें मौजूद होती हैं, तो लोग घर वगैरह तो अपने सेट कर रहे हैं। अब जो इससे आगे जो ये बैरियर आप देख रहे हैं, इस बैरियर से आगे जो है वो जो इन्होंने लैंड एक्वायर की है वो होगी, उसके ऊपर जो है ये देखें ये बैरियर जो हम क्रॉस कर रहे हैं, तो इसके आगे जो है वो सोसाइटी ने कोई लैंड एक्वायर की है, तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को लेकर चलें और दिखाएं कि कौन सी लैंड जो है उन्होंने एक्वायर की है जिसके ऊपर जो है वो काम शाम वगैरह स्टार्ट हुआ है। ठीक है जी, तो बाकी तो देखते हैं क्या फिजिबिलिटीज़ है। बाकी जिन अहबाब ने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है उन लोगों को इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट होगा, और अच्छा प्रॉफिट होगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छी है, टाइम लगता है, हम इस चीज़ को ऑन करते हैं, बट ये कि टाइम ज़्यादा ना लगे ना, टाइम उतना लगे जितना टाइम मैनेजमेंट कह रही है। ठीक है जी, ये ना हो कि आप लोग जो है वो बस ट्रक की बत्ती के पीछे लग कर बैठे रहें। हम भी मैनेजमेंट से जब मीटिंग्स होती हैं तो हम यही उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अर्ली एज सून पॉसिबल जो है वो डेवलपमेंट करें और बैलेटिंग करें, ताकि जो लोग इंस्टॉलमेंट्स पेड कर रहे हैं उनको जो है वो बर वक्त एक चीज़, एक प्रोडक्ट जो है वो मिले। ठीक है जी, यहाँ पर भी ये घर जो है वो नए स्टार्ट हो चुके हुए हैं। ठीक है जी, और देखते हैं आगे। आज मैं आपको ऐसे एरिए के अंदर लेके जाऊँगा जहाँ पहले मेरी जो है वो वीडियोज़ नहीं होंगी उसके ऊपर, और ये घर वगैरह सारे जो है वो नए कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं माशाल्लाह से, और आगे जो है देखते हैं कहाँ तक इन्होंने लैंड एक्वायर की हुई है और इसकी बाउंड्री वाल कौन सी है, तो इस स्ट्रीट से लेकर आगे उस स्ट्रीट में इंटर हो जाएं, ये इधर से ले लें। तो ये लैंड जो है सोसाइटी ने मेरे ख्याल से इनके पास पहले थी, लेकिन अभी यहाँ पर कोई थोड़ा बहुत डिवेलपमेंट का काम जो है वो स्टार्ट कर लिया हुआ है। ठीक है जी, और बाकी चीज़ें तो चल रही हैं। जी, इसकी बाउंड्री वॉल है यहाँ पर जो है, यानी ताज रेजिडेंशिया का जो रकबा है वो यहाँ तक है, और इसके आगे चलें जी, सीधा एंड तक लेके चलें, आगे उनकी लोकल प्राइवेट आबादी बैठी हुई है। तो बाकी जितने भी मेम्बरान हैं, इन्वेस्टर्स हैं, व्यूवर्स हैं मेरे इस चैनल के ऊपर, वो लोग जो है मेरी वीडियो वॉच करते हैं, मैं आप तमाम अहबाब का तह दिल से मशकूर हूँ। और इसके ऊपर ये देखें, ये रकबा जो है इन्होंने सारा एंड तक जो है वो स्ट्रीट्स जो हैं वो कारपेटेड कर दी हुई हैं। ठीक है जी, और काफ़ी सारा बेहतरी की तरफ चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इन्होंने जो रोड्स अब कारपेट किए हैं, ये जिसके ऊपर मैं अभी अब जाने लगा हूँ, ये लेटेस्ट किए हैं, ये पहले जो है वो डेवलपमेंट इस किस्म की नहीं थी, और इस साइड के ऊपर आप लोग शायद आए हैं या नहीं आए। ठीक है जी, और बाकी तो लैंड तो काफ़ी एक्वायर कर चुके हुए हैं, बाकी एक मेगा प्रोजेक्ट है उसके ऊपर सेंटोरस वालों का, वो डेवलपमेंट करना चाहें तो विद इन 1 ईयर इसको कम्प्लीट कर सकते हैं और डिलीवर करके मेम्बरान तक दे सकते हैं, लेकिन थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत है इस सोसाइटी के ऊपर। बाकी प्रोजेक्ट की लोकेशन तो मैटर करती है, लोकेशन के साथ साथ जो है जो डेवलपर होता है वो भी इसके अंदर नुमाया किरदार अख्तियार करता है, कि अगर वो डेवलपमेंट ही ना करे तो
तो यहाँ पर इस टाइम मशीनरी तो कोई भी अवेलेबल नहीं है जिसके ऊपर मैं आपको कहूँ, एक ही मशीन यहाँ पर खड़ी हुई है, ठीक है, इसके अलावा जो है वो कोई फिजिबिलिटी जो है वो नहीं है। तो बाकी जितने भी मेम्बरान हैं इस चैनल के ऊपर, मेरे इन्वेस्टर्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी अपडेट्स होंगी रिगार्डिंग ताज रेजिडेंशिया के हवाले से और अदर ऑन गोइंग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से, तो आप तमाम अहबाब को बर वक्त इस चैनल के ऊपर तमाम तर अपडेट्स, तमाम तर डिटेल्स बर वक्त इस चैनल के ऊपर आप तमाम अहबाब को मिलती रहेंगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह आपका और हम सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।